हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं अनजाने में हम सभी अपने हेल्थ के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक के चावल के बारे में आपने अभी तक सुना होगा, प्लास्टिक से बने पत्ता गोभी के बारे में सुना होगा, और अब बाजार में प्लास्टिक से बने अंडे भी आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, प्लास्टिक से बने अंडे। चाइना हमारे सेहत के साथ, भारत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि चाइना में बने हुए प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अभी अभी कोलकाता में ही अंडों की एक खेप पकड़ी गई है जो प्लास्टिक से बने हुए हैं। ये प्लास्टिक के अंडे इतने खतरनाक हैं दोस्तों कि अगर इन्हें आप अच्छी तरह से, इनके पहचानने की ट्रिक अगर आपको पता नहीं है, तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये अंडे प्लास्टिक के हैं और आप इन्हें खाते रहेंगे और ये आपको बहुत से बहुत भयानक बीमार बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप प्लास्टिक से बने अंडे को पहचान सकेंगे और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रख सकेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं प्लास्टिक के अंडों को पहचानने की जो तरीका है वो कैसे हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लास्टिक से अंडे बने अगर आप खाते हैं तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती है। ये देखिए, नकली अंडा अगर आप खाते हैं तो आपको पेट की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि यह पच नहीं सकेगा। प्लास्टिक से बना हुआ होने के कारण यह पच नहीं सकता आसानी से। ऐसी भी नौबत आ सकती है कि ऑपरेशन करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बहुत ही खतरनाक चीज है ये प्लास्टिक का बना हुआ अंडा, और इससे अगर आप बचना है, इसको पहचानना है, तो क्या क्या तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नकली अंडे का छिलका थोड़ा सख्त होता है। असली अंडे की तुलना में इस नकली अंडे का छिलका थोड़ा खुरदरा भी होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है रबर नुमा कोटिंग भी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसमें रबर नुमा कोटिंग होगी। ये जो अंदर का जो छिलका है, इसके अंदर रबर नुमा कोटिंग दिखेगी, और ये जो ऊपर का छिलका है ये काफी सख्त रहेगा असली अंडे की तुलना में। इसके अलावा नकली अंडों की एक पहचान यह है कि यदि इसमें आप इसको आप फोड़कर खुले में छोड़ दें तो इस पर चींटियां और मक्खियां कुछ भी नहीं लगेंगी, क्योंकि असली अंडे में एक स्मेल होता है, उसमें जो गंध होती है और उसमें जो पदार्थ होते हैं जिससे वो मक्खियां और चींटियां इसकी तरफ आकर्षित होती हैं, वो नकली अंडों में बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक इसको पहचानने का तरीका है। इसके अलावा नकली अंडे उबलने के बाद भी पानी में डूबते नहीं है, लेकिन अगर आप असली अंडे को उबाल देंगे तो देखेंगे कि वो पानी के अंदर डूब गया है। तो अगर आपका अंडा उबलने के बाद भी तैरते रह रहा है पानी पे, तो सावधान हो जाइए, ये नकली अंडा प्लास्टिक का अंडा हो सकता है। इसके अलावा नकली अंडे के छिलकों को अगर जलाएं तो इसकी प्लास्टिक जलने की प्लास्टिक से जो कोटिंग है, ये जल इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग दी हुई होती है, ये जलने लगेगी और इससे प्लास्टिक के जलने के जैसी बदबू आएगी और धीरे धीरे ये सिकुड़ता जाएगा, जैसे प्लास्टिक जलकर सिकुड़ जाता है बिल्कुल वैसे ही। इसके अलावा नकली अंडे का जो पीला हिस्सा होता है वो असली अंडे के तुलना जो पीला हिस्सा योक होता है उसके अपेक्षा बहुत ज्यादा पीला होता है। ये एक तरीका है इसको पहचानने का। इसके अलावा अगर आप इसको फोड़ेंगे, अगर नकली अंडा है तो इसका जो योक है वो पिघलकर कुछ ही समय में जो है पिघलने लगेगा और उसके सफेद हिस्से में मिल जाएगा, जबकि असली अंडे में ऐसा नहीं होता है कि इसका योक जो है पिघलकर फैल जाएगा। असली अंडे का योक तब तक नहीं फैलेगा जब तक कि उसे फेटा या फैलाया नहीं जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ ट्रिक्स जो आप देखकर नकली अंडों को पहचान सकते हैं और अपने परिवार के और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को शेयर करें और बाकी लोगों को भी इस बारे में जानकारी दें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।